मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि आप ये ऑपरेट कर रहे हैं, इसका क्या नाम है? इसका भी रसासा बोलते हैं, अरबी में रसासा बोलते हैं। ये है प्लेट कम्पैक्टर। क्या है? प्लेट कम्पैक्टर है। कितना केजी का ये प्लेट कम्पैक्टर है? ये तो 50 किलो जाता है। 122 केजी का है। ठीक है, लिखा हुआ है ना, देखे 120 वेट लिखा हुआ है ना, मतलब इसका जो वेट है पूरा 122 केजी का है। ये देख रहे हैं ना प्लेट, इसकी भी एक अपनी कैपेसिटी है। ये आपका क्या है, मोटर है ना, है? इसमें खतरा क्या चीज है? ये देखिए, ये जो ये आपका बेल्ट देख रहे हैं, जो ये बेल्ट है, ये जो है बेल्ट, बेल्ट क्या है, यहाँ पे गार्ड होना चाहिए कि नहीं? ये ओपन है, इधर देखिए, ये भी खुला हुआ, ये भी गार्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आप क्या भरते हैं, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल। पेट्रोल 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 क्या है, फ्लेमेबल है ना, फायर का खतरा है इसमें। जब ये चलेगा तो धुआं निकलता है, धुआं हल्का निकलेगा, चले ठीक है। ये जब ये जलता है पेट्रोल, तो कार्बन निकलता है। कार्बन क्या है, आपके सांस के लिए नुकसानदेह। ये जो प्लेट कम्पैक्टर है, आप बिना ग्लव्स के अगर आप यूज करेंगे, देखें इधर पे, ये जो ये वाइब्रेट करता है, क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो वाइब्रेशन क्या है, खतरा है। वाइब्रेशन क्या है, खतरा है। किसके लिए खतरा है, आपके हाथ के लिए खतरा है। ये जो आपका जो स्किन है, ये फिंगर है, ये फिंगर है, इसके अंदर सिंड्रोम होता है, ये बीमारी हो जाएगा, वाइब्रेशन सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन सिंड्रोम, बीमारी का नाम। इसलिए जब भी इस तरह का कंपैक्टर आप यूज करते हैं, जहां भी ओपनिंग है, रोटेटिंग पार्ट है, वो टोटल ये कवर होनी चाहिए, फुल पीपीज होनी चाहिए। आगे जो सामने में कोई भी बंदा नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, देख रहे हैं ना, ये क्यों दिया गया है पिक्चर, ये क्यों दिया है? बोला गया कि माचिस मत मारिए। क्यों बोला गया है कि यहाँ पे आप बंदे से दूर रखिए, क्योंकि खतरा हो सकता है, क्योंकि ये वाइब्रेट करता है, साउंड देता है वाइब्रेशन के वक्त में। तो ये जो कान जो है, कान को नुकसान पहुंचेगा, कान को नुकसान पहुंचेगा। तो हमको ईयर प्लग भी लगाना है ना, इसकी साउंड नॉर्मल साउंड जो हम बात कर रहे हैं उससे ज्यादा है या नहीं है? ये आपके लिए नुकसानदेह है। ईयर प्लग लगाए, ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहनेंगे, ये आपका जो वाइब्रेशन का जो एक्सपोज है, एक्सपोज मतलब नुकसान है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा खतरा क्या क्या है, एक तो पेट्रोल है, दूसरा खतरा क्या है, वाइब्रेशन है, तीसरा खतरा क्या है कि ये जंप करता है ना, अगल बगल कोई आदमी होगा उसको लग सकता है, चौथा खतरा क्या है साउंड, आवाज है ना, नॉइज, वो आपके कान के लिए खतरा है। धीरे धीरे बहुत सारे स्टेज है, आपको उतना बताएंगे आप नहीं समझ पाएंगे, तो इस चीज को समझने की कोशिश करें कि आपका कान क्या, आवाज धीरे धीरे कम हो सकता है, हो सकता है अभी नहीं, कल हो सकता, कल नहीं 10 साल बाद हो सकता है। तो इसका एक रेगुलेशन है यूज करने का, इसका एक तरीका है ना, कि कैसे यूज करना, बिना आप ग्लव्स के, बिना ईयर प्लग के आपको यूज नहीं करना। ये जो गार्ड है इसको कवर करना है। ठीक है, मान लिया आप नहीं कर रहे हैं, अभी आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी अभी ये कंप्लीट नहीं है, मगर जैसे ही कंप्लीट, जब तक कंप्लीट नहीं होगा इसको यूज भी नहीं करना है। ठीक है, ये प्लेट कंपैक्टर ये खतरा बन सकता है, बहुत ही आसान है यूज करने के लिए, मगर आप लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, हो सकता है ये आपके लिए खतरा बन जाए। इसलिए जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है पीपीज का, वो पीपीज पहन के ही आप काम करेंगे। ठीक है, ओके, जब तक इसको यूज नहीं करना। ओके।